वॉट इज द मीनिंग ऑफ मॉस्किटो मॉस्कटो का मतलब होता है मच्छर राइट तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना एक बड़ा सा टाइगर दिखाई दे रहा है एंड स्मॉल मॉस्किटो इज ऑल्सो हियर सो नाव यू नो द स्टोरी इज अबाउट द टाइगर एंड मॉस्किटो सो आर यू एक्साइटेड टू लिसन द स्टोरी सो लेट स्टार्ट दोरी तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको मेरे साथ साथ रीड करना पड़ेगा राइट सो द फर्स्ट वॉट इज रिटर्न लेट्स रीड अ टाइगर वॉज डोजिंग अंडर अ ट्री अच्छा अंडर का मतलब होता है नीचे ए टाइगर मीन्स एक टाइगर नाउ दिस इज न्यू फॉर यू राइट डोजिंग डोजिंग मतलब स्लीप लाइटली मतलब पूरा ऐसे सोया हुआ नहीं, जैसे हम भी ऐसे थोड़ा सा झकझक के सोते हैं ना जैसे हमें नींद नहीं आती है फिर भी हम इसे आंखें बंद करके सोते रहते हैं इट इज कॉल्ड डोजिंग राइट सो अ टाइगर वो डोजिंग अंडर अ ट्री एक बाघ था वो आ, ट्री के नीचे स्लाइटली थोड़ा सा सो रहा था अ मॉस्किटो केम बजिंग बाय अब आपने देखा होगा कि कोई भी मच्छर आपके आसपास आता है तो उसकी आ, चलने की आवाज या बजिंग होती है राइट right? जब भी वो ऐसे चलता है ना तो हम उसको क्या बोलते हैं बजिंग जैसे हनी बी में नाउ द टाइगर सेड टाइगर ने बोला हे मॉस्किटो गो अवे गो अवे का मतलब क्या होता है पाक जाओ दूर चले जाओ द मॉस्किटो सेड मैं क्यों जाऊ है ना उसने सामने से पूछा मैं क्यों जाऊ भाई आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू मैं आपसे डरता नहीं हूं अफ्रेड का मतलब क्या होता है डरना अफ्रेड ऑफ राइट जब भी आप कोई थिंग से डरते हो ना तो आप ऐसा बोलते हो आई एम अफ्रेड ऑफ लायन मतलब आपको लायन से डर लगता है अफ्रेड ऑफ का मतलब होता है डर लगना बट यहाँ पे तो क्या लिखा हुआ है नॉट अफ्रेड मतलब डर नहीं लगता है नाउ सी मॉस्किटो मॉस्किटो को ये टाइगर का डर भी नहीं लग रहा है टाइगर वॉज एंग्री एंग्री का मतलब क्या होता है गुस्सा हो जाना ही हिट आउट विथ हिज पो अब देखो पी ए डब्ल्यू पो मतलब जो ये पंजा होता है ना टाइगर का उसको क्या बोलते है पो एंड हिट करना मतलब मारना ही हिट आउट विथ हिज पो उसने अपने पंजे से मारा गुस्से में आके मच्छर को पंजे से मारने लगा नाव वैपन लेट सी नाउ टेकआउट पेज नंबर नाइंटी टू आफ्टर दैट द मोस्टो फ्लू ऑफ मॉस्किटो तो उड़ गया द पो स्ट्रक ऑन स्ट्रक का क्या मतलब होता है जो स्ट्राइक का फॉर्म है और जोर से किसी को मारना उसको हम स्ट्रक बोलते हैं राइट right? देखो ये तो उसको ही स्ट्रक हो गया उसने तो अपना पो जो था अपना तो वो तो मॉस्किटो के लिए मारने के लिए उछाला था है ना बट अब तो यहाँ पे क्या हो गया खुद को ही लग गया हिज ऑन चिक उसके चिक पे ही लग गया द ब्लो स्क्रैप हिज चिक मीन्स उसका जो चिक था ना उसमें स्क्रैच हो गया जैसे देखो उसके नेल्स भी तो बड़े बड़े है ना वेरी बैड वो तो कट भी नहीं करेगा वो तो टाइगर है उसके नेल्स कौन कट करेगा तो उसके चिक पे स्क्रैप्ड हो गए इट बिगेन टू ब्लीड तो टाइगर को चिक पे ब्लड आ गया उतना जोर से उसका ही पाव लग गया उसका पंजा लग गया फिर क्या हुआ सी द मॉस्किटो बर्ज अवे मॉस्किटो दूर चला गया द टाइगर स्ट्रक विथ अदर पो फिर टाइगर ने क्या किया उसके दूसरे पंजे से मारने गया जैसे जैसे उसको पंजा लगाने गया तो मच्छर उड़ता जाएगा वापस ऐसे पंजा मार रहा है तो मच्छर उड़ रहा है द मॉस्किटो फ्लू ऑफ मच्छर तो उड़ गया दिस टाइम टू वापस मच्छर उड़ गया ही उसने खुद को ही मार दिया वापस एक बार उसके चिक पे स्ट्रक हो गया दूसरी बार भी उसने खुद को ही मार दिया टाइगर वॉज हेल्पलेस वो तो बेचारा हेल्पलेस हो गया द मॉस्किटो कंटिन्यू टू बर्स और मॉस्किटो ने कंटिन्यू ही रखा है उसके आस पास घूमना जैसे ही उसको पंजा मारे उड़ जाए और खुद टाइगर ता, को ही खुद का ही पंजा लग जाए ऐसा दो तीन बार हो गया उसके बाद द टाइगर गोटअप एंड क्वाइटली वॉकड अवे और टाइगर खड़ा होके चुपचाप चला गया राइट right, कुछ बिना बोले ही चला गया द मॉस्किटो कोल्ड आउट आफ्टर हिम डोंट बी सो प्राउड माई फ्रेंड उसने क्या बोला वो जब जा रहा था ना तो मॉस्किटो ने बोला बहुत अभिमान नहीं करो प्राउड का मतलब क्या होता है अभिमानी जो अपने आप को आई एम समथिंग समझते हैं ना कि मुझे ही सब कुछ आता है इसको तो कुछ आता ही नहीं है मैं ही हूं किंग राइट तो ऐसा समझते हैं ना तो उसको एकदम प्राउड फील करना कहते हैं डोंट बी सो प्राउड माय फ्रेंड एवरीवन इज ग्रेट इन हिज ओन वे टाइगर को क्या लगता था कि मैं ही एक सबसे ग्रेट हूं मेरे जैसा तो कोई नहीं है बट मॉस्किटो उससे छोटा था फिर भी टाइगर को हरा दिया राइट तो उसने बोला कि हमें कभी भी प्राउड फील नहीं करना चाहिए एवरी वन इज ग्रेट सभी महान होते हैं। ग्रेट का मतलब क्या होता है महान इन हिज ओन वे अपने अपने एरिया में मतलब अपने अपने तरीके से सब कुछ सब स्पेशल होते हैं, राइट ऐसा नहीं है कि, कि किसी को पढ़ाई में कम मार्क्स आते हैं तो वो स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं तो हमें ऐसा कभी फील नहीं करना चाहिए कि देखो मुझे ही सब कुछ आता है ये तो बहुत ही डल है इसको तो कुछ भी नहीं आता है हमें कभी भी ऐसा प्राउड नहीं करना चाहिए अगर कोई एजुकेशन में अच्छा है तो कोई अदर एक्टिविटीज में अच्छा है किसी को एक्टिंग अच्छी आती होगी तो किसी को सिंगिंग अच्छी आती होगी राइट right? सभी अपनी क्वालिटीज में कुछ स्पेशल होता ही है सब में राइट नाउ सी हियर कैसे टाइगर चुपचाप मच्छर से डर के चला गया पहले तो टाइगर को ऐसे ही लगा था कि मच्छर तो मुझसे डर जाएगा बट मच्छर ने भी एक टाइगर को हरा दिया सो इट इज रियली ग्रेट थिंग है ना ऐसा नहीं है कि अगर हम छोटे हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते अगर हम ठान ले कि हमें ये करना ही है तो हम वो करके ही रहते हैं अंडरस्टैंड तो ये स्टोरी से आपको क्या सीख मिलती है पहला तो ये कि हमें अगर हम कोई बात पे अच्छे हैं और दूसरे वो उस बात पे अच्छे नहीं है जैसे कि आप सोचो कि कोई पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट है और आपका फ्रेंड है उसको इतना ज्यादा नहीं आता है तो आप उसके ऊपर हंसना मत क्योंकि वो दूसरी एक्टिविटी में आपसे भी अच्छा होगा बिकॉज यू डोंट नो आपको तो नहीं पता है है ना तो कभी भी आपको किसी की वीकनेस पे हंसना नहीं चाहिए नाउ हियर सम न्यू वर्ड्स आर गिवन द फर्स्ट वर्ड इज एंग्री एंग्री का मतलब होता है गुस्सा करना ब्लीड ब्लीड का मतलब जो ब्लीडिंग हो रहा था ना टाइगर को ब्लड आने लगा सो ब्लीड ग्रेट का मतलब होता है महान हिट हिट का क्या मतलब होता है किसी को मारना ऐसे हिट करना एंड प्राउड मतलब अभिमान करना कि मैं ही आ, मुझे सब कुछ आता है और तो किसी को कुछ भी नहीं आता है, है ना ऐसा हमें कभी भी प्राउड नहीं करना चाहिए

राइट right. उसके बाद यहाँ पे क्या है हार्ड वर्ड्स फिर आपको नंबर वन हेडिंग देके जो फर्स्ट लाइन सेंटेंस में ही था ना डोजिंग डी ओ जेड आई एन जी डोजिंग डोजिंग का मतलब होता है थोड़ी सी नींद राइट जैसे कि पूरा नहीं सोए है आप जागते ही सो रहे हो उसको क्या बोलेंगे डोजिंग देन नंबर टू मॉस्किटो मॉस्किटो का मतलब होता है मच्छर what is the spelling of mosquito m o s q u i t o if you are thinking that spelling is very big so you can break the spelling mosquito mosquito m o s mos q u i t o mosquito understand after that b u z z i n g buzzing बजिंग का मतलब होता है जो मच्छर हमारे आसपास कभी मॉस्किटो घूमता है तो उसकी एक आवाज होती है ना जैसी सो इट इज कॉल्ड बजिंग नाउ अफ्रेड ऑफ अफ्रेड ऑफ का मतलब होता है ए एफ आर ए आई डी अफ्रेड ऑफ मतलब डरना किसी से डरना उसको हम बोलेंगे अफ्रेड ऑफ ए एन जी आर वाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंग्री ए एन जी आर वाई एंग्री का मतलब होता है गुस्सा करना पी एडब्ल्यू पाओ पाओ मीन्स जो लायन या तो टाइगर का जो पंजा होता है ना उसको हम क्या बोलेंगे पाओ देन स्ट्रक एस टी आर यू सी के स्ट्रक स्ट्रक जो है वो स्ट्राइक होता है ना स्ट्राइक का पास्ट फॉर्म है मतलब ऑलरेडी हो चुका है और स्टक का मतलब क्या होता है हिट करना जोर से राइट ब्लो एस सी आर ए पीई डी स्क्रैप्ड मीन्स जैसे उसने पाव से मारने गया अपना पंजा ब्लो किया तो क्या हो गया स्क्रैप्ड हो गया मतलब कि उसको लग गया तो स्क्रैच हो जाता है ना स्क्रैच इसका सिमिलर वर्ड क्या हो सकता है स्क्रैच देन ब्लीड ब्लीड का मतलब होता है कि अगर आपको कुछ लगे तो उसमें से ब्लड निकलने लगता है तो हम उसको क्या बोलते हैं ब्लीडिंग राइट सो दैट इज ब्लीड जैसे खून निकलना उसके बाद नेक्स्ट वर्ड जो है वो क्या है हेल्पलेस एच ई एल पी एल ई डबल एस हेल्पलेस हेल्पलेस यानी क्या होता है पावरलेस क्योंकि उसने मॉस्किटो को बहुत ट्राई किया कि वो चला जाए भाग जाए उसने पो मारा जैसे जैसे ही वो आगे आगे बढ़ता गया टाइगर वैसे ही वो थोड़ा दूर उसके पास आते गया जैसे ही उसको वो मारने गया तो भाग गया फिर उसके पास आ गया तो वो बेचारा तो टाइगर मच्छर को मारने में खुद को ही मारने लगा उसको ब्लीडिंग होने लगा क्योंकि उसके पंजे के जो नेल्स थे वो बहुत ही नुकीले थे तो उसको फेस पे लग गया फिर क्या हो गया हेल्पलेस मतलब पावरलेस हो गया नाउ कंटिन्यूड व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ कंटिन्यूड जैसे कंटिन्यू का स्पेलिंग आता है आपको सी ओ एन टी आई एन यू ई डी कंटिन्यूड मतलब कुछ चालू रखना राइट right? वो प्रोसेस आप स्टार्ट कर, करते ही हो उसको स्टॉप नहीं करते तो उसको हम क्या बोलेंगे कंटिन्यूड उसके बाद क्या होता है क्वाइटली क्वाइटली का मतलब चुप चाप राइट क्यू यू आई टी क्यू यू आई ई टी एल वाई अगेन क्यू यू आई ई टी एल वाई दैट इज क्वाइटली नाउ प्राउड प्राउड का मतलब होता है अभिमान करना राइट right? तो मैंने ये स्टोरी में भी आपको ये सारे वर्ड्स का मीनिंग बताया था और अभी मैंने आपको बताया तो आपको ये मीनिंग भी याद रखना है और उसके स्पेलिंग भी नाउ लेट्स रीड इट अगेन डोजिंग मॉस्किटो बजिंग देन अफ्रेड ऑफ एंग्री पाउ देन स्ट्रक देन नंबर एट इज ब्लो स्क्रैप्ड ब्लीड ब्लीड आफ्टर दिस इज Helpless, then, continued, then quietly, and proud. So this 14 words you have to remember. You have to learn properly and you will write in notebook with good handwriting. आपको अच्छे हैंड राइटिंग से भी लिखना है मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि मैं जो लाइन टू लाइन कोई लेटर लिखू आपको वैसे लिखना है देखो एच को मैंने रेड लाइन से ब्लू लाइन तक किया है तो आपको ऐसे ही करना है अंडरस्टैंड ताकि आपका जो लेटर्स है वो अच्छे से दिखे तो हैंड राइटिंग भी अच्छे होने लगेंगे जैसे एन यू -E, तो वो पूरा ये ब्लू लाइन के अंदर ही आना चाहिए तो उसको हम बाहर नहीं निकालेंगे तो आप जो इस लाइन का ध्यान रखोगे तो आपके हैंडराइटिंग भी इम्प्रूव होंगे अंडरस्टैंड नाउ लेट्स मूव टेक्स्ट बुक अभी आपको टेक्स्ट बुक में देखना है देखो उसमें क्या लिखा हुआ है न्यू वर्ड्स तो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिए लेट्स रीड अगेन एंग्री ब्लीड ग्रेट हिट एंड प्राउड उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है लेट्स रीड रीड का क्या मतलब होता है पढ़ना मतलब सिर्फ आपको इसको पढ़ के ही बताना है लिखना नहीं है पढ़ना है सिर्फ लेट्स रीड आई मस्ट नॉट हीट एनी वन हिट का मतलब होता है मारना एनी वन मतलब किसी को भी एंड मस्ट नॉट मतलब ये कम्पल्सरी करना ही नहीं है राइट यू मस्ट नॉट आई मस्ट नॉट हिट एनी वन मैं किसी को नहीं मारूंगा अंडरस्टैंड तो मस्ट अगर होता है तो वो कंपल्सरी ऐसा करना ही नहीं है नाउ नेक्स्ट आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन तो ये जो वर्ड है ना उसका यूज हमने ये सेंटेंस में किया है कि मुझे इंडियन होने का गर्व है देखो प्राउड हम दोनों तरीके से यूज करते हैं पॉजिटिव वे में जैसे हम किसी बात पे गर्व महसूस करे तो भी प्राउड बोलते हैं और कोई अभिमान करे कि मैं ही ऐसा हूँ मेरे जैसा तो कोई नहीं है उसे भी प्राउड कहते हैं और अगर आपको फर्स्ट रैंक आता है तो आपके मम्मी डैडी भी ऐसे गर्व फील करते हैं ना तो उसको भी प्राउड बोलते हैं तो ये दोनों तरीके से होता है राइट right. तो आज हमने क्या किया है आज हमने ये पूरी स्टोरी रीड की है तो सबसे पहले तो आप बुक में से ये स्टोरी पढ़ोगे राइट right. उसके बाद न्यू वर्ड्स जो है नोटबुक में लिखोगे और ये सेंटेंस को भी रीड करोगे अंडरस्टैंड? थैंक यू